जहाँ मुझे गलत लगता है मैं लात मारता हूँ, वो लात किसके पिछवाड़े लगती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई होम मिनिस्टर अमित शाह है, आपकी IB आपके पास है, CBI आपके पास है, जांच करा लो और उखाड़ लो मेरा। मैं तो खुला बैठा हूँ ना भाई, मैं आम साधारण इंसान, एक ऑटो ड्राइवर परिवार से आता हूँ, मैं कोई रईस नहीं हूँ कि बंगले के अंदर बैठ के इसी रूम में भाषण देता हूँ। रस्तों पे रहता हूँ, चलता हूँ, कहीं पे मेरी हत्या हो सकती है, मेरे परिवार पे हमला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो भड़वे बैठे हैं ना गोदी मीडिया में, चाहे वो सुधीर चौधरी तिहाड़ी हो, चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो, इन भड़वों का काम ही यही है कि मुँह पे हाईकोर्ट मूद के चला गया। आज इन भड़वों की वजह से बाकी जो अंडभक्त हैं, जो सोशल मीडिया में जो भोसड़ी वाले, उनको कुछ काम नहीं है, उनकी औकात पता चल जाएगी कि दलाली के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं सलाम करता हूं एजाज भाई को, उन्होंने कहा कि विनय भाई हम बजाते रहेंगे, जहां गलत होगा वहां लात मारते रहेंगे। विनय दुबे जी, जिस तरह से आप लगातार आवाज उठा रहे हैं उत्तर भारतीयों का, कफिल डॉक्टर कफिल खान को लेकर, लॉकडाउन में जो तमाम मजदूर फंसे हुए थे उनकी आपने आवाज उठाई, आखिर ये संभव कहां से हो पा रहा है? लोग कह रहे हैं आपके बारे में या ऐसे सुनने को मिल रहा है कि आप सिंगलों पर, रेड लाइटों पर बुक बेचा करते थे, कहां तक सही है ये? 2002-03 में जब भी मैं स्कूल में था, मतलब कॉलेज में था, तो उस समय पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, तो उतनी घर की आजीविका थी नहीं कि उनकी वजह से घर चल पाए, और प्लस 3 भाई और थे, पढ़ाई उनकी भी करानी थी, एजुकेशन कराना था, तो एक पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से मैं एक ऑक्सफोर्ड करके डिक्शनरी आती है उसकी कंपनी में जुड़ा मैं, और उन्होंने मुझे जो एरिया दिया था वो घाटकोपर का अमर महल सिग्नल है, आज भी है वहाँ पे, अमर महल जगह है, सिग्नल का नाम है, वहाँ पे शॉपर स्टॉप के बाहर मैकडोनल्ड्स थी, क्रूशल टावर है उसके बाहर, मुझे वहाँ पे किताबें बेचने के लिए, मतलब मेरी जो स्पॉट थी, 3 साल तक मैंने वहाँ पे सिग्नलों पे किताबें बेची हैं। तो बहुत मेरे जो करीबी मित्र हैं उनको ये शायद जानकारी होती है क्योंकि वो पुराने संघर्ष के साथ ही रहे, तो ये हकीकत रही है, अपना शुरुआत तो वहीं से है। दूसरा सवाल ये है कि ऐसा लोग कह रहे हैं और फिर ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे का आप एक समय विरोध किया करते थे और काफी अरसे से आपने विरोध भी किया जब आप थोड़ा बहुत एक्टिव हुए, और फिर अचानक एक साथ एक मंच पर आप दिखते हैं, वजह क्या? पहले विरोध फिर आपस में एक साथ देखना मंच पे। 2016 में एक घाटकोपर में, मुंबई के घाटकोपर में एक फल वाले के साथ घटना हो जाती है कि उसको टेला जो उसमें फ्रूट्स वगैरह रखे तो उसको पलट दिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। उसके बाद मैंने लगभग सभी उत्तर भारतीय नेताओं को संपर्क किया, चाहे उसमें प्रेम शुक्ला हो, कृपा शंकर सिंह हो, बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को उत्तर भारतीय ठेकेदार समझते थे, तो उनको मैंने मैसेजेस किया कि सर यहाँ पे अपने एक उत्तर भारतीय के भाई के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, आप इस पर कुछ कहिए। तो किसी का जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद हमें खुद आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद आज़ाद मैदान के अंदर मैंने बाकायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ में एक विरोध मोर्चा निकाला, उसको निकालने के बाद कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं, उनके प्रवक्ता है, तो मैंने उनसे पूछा कि शायद आप ये जो मारपीट करते हैं उसको आप जस्टिफाई करिए कि क्यों करते हैं। तो कहे कि वो राज साहब का आदेश है, जहाँ पे भी मैं जाता तो एक ही चीज़ कहते कि वो राज साहब का आदेश है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी के साथ में बैठना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर वो उत्तर भारतीयों को क्यों मारते हैं। मैं जब उनके बंगले कृष्ण कुंज पे गया दादर में, तो वो मुझसे मिले, एक जैसे हमारी नॉर्मल बातें हुई वहाँ पे, और मैंने उनसे वही पहला सवाल पूछा कि आप आखिर परप्रांतियों से नफरत क्यों करते हैं, या आपके अंदर ऐसी क्यों, हमारे खिलाफ, एक उत्तर भारतीय के खिलाफ क्यों इतनी नफरत या जहर है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर की, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मीडिया जो है वो गलत तरीके से राज ठाकरे और उनकी जो पार्टी के मुद्दे हैं उसको रखती है, और कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को डराने का काम जो है वो मीडिया के चैनल की तरफ से किया जाता है, न्यूज़ चैनल की तरफ से। तो मुझे लगा कि राज ठाकरे साहब ने जो जानकारी मुझे दी है, ये अगर जानकारी बड़े लेवल पर जनता तक पहुँचेगी तो उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, जो भी वो सारे उत्तर भारतीयों से या सारे परप्रांतियों से नफरत नहीं करते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो यहाँ पे आके क्राइम करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, या फिर वो एक गलत तरीके से सामाजिक अपनी जो ताना बाना है उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, उनके खिलाफ उनका आंदोलन होता था, ये चीज़ हम वहाँ पर क्लियर हो गया टेबल पर, और खुद राज साहब ठाकरे जी ने इसको क्लियर किया। तो मुझे ऐसा लगा कि एक मंच पर उनको बुलाना चाहिए और जो चीज़ें उन्होंने कही थी वो सब जनता के सामने होनी चाहिए। 2 दिसंबर 2018 को मैंने आमंत्रित किया सम्माननीय राज साहब ठाकरे को कि आप मेरे उत्तर भारतीयों के मंच पे आएँ और अपनी बात वहाँ पे रखें। उन्होंने इसको स्वीकार किया और आए,
मैं आपके चैनल के माध्यम से राज साहब ठाकरे जी का धन्यवाद करता हूं और पूरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आभार मानता हूं कि इतने बड़े प्रोग्राम में राज साहब जी की उपस्थिति एक अपने आप में अद्भुत होती है। एक उत्तर भारतीय मंच पर राज ठाकरे जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था ये जो अपनी टकराव है उसे रोकने का एक प्रयास करना चाहिए, वो सफल रहा। उसके बाद से आप देखेंगे महाराष्ट्र में कभी टकराव नहीं हुआ है। 2014 से और 17 या 18 जो आप कह रहे हैं, इस बीच का जो समय है, काफ़ी सारे उत्तर भारतीय यूपी बिहार के लोग जब एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर गए और फिर आर्मी का दौर, ये सब तमाम चीज़ें को उनको तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, उनको भगाया भी गया, मारा भी गया जी। उस समय आपने क्या ये बात जो है राज ठाकरे या मनसे के आगे या शिवसेना के आगे ये बात रखी थी, इन बातों का जिक्र आपने किया था? देखिए उस समय महाराष्ट्र में जब ये चीज़ होती थी, मतलब 2007-08 की बात है ये, उस समय रेलवे को लेके कल्याण में मारपीट हुई थी कार्यकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उत्तर भारतीयों के ऊपर। तो उस समय तो मैं उतना सामाजिक में नहीं था और एक मन में था सवाल कि कभी जीवन में समय मिलेगा या मौका मिलेगा तो एक बार राज साहब ठाकरे जी से ये पूछना चाहूँगा कि आखिर क्यों। वो चीज़ों को लेके मैं गया और मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 दिसंबर 2018 के बाद से आप रिकॉर्ड निकाले, आप मीडिया में हैं, कहीं पे भी उत्तर भारतीय और मराठी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनका टकराव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक संतुष्टि थी कि जो मेरा प्रयास था आपसी नफरत, आपसी जो दिलों में जो नफरत है उसको ख़त्म करने का, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने भी उसे सहमति की, राज साहब ने भी उसमें सहमति की और हमारे समाज ने भी उसको हाथों हाथ लिया था। तो उसके बाद से आज तक कभी ऐसा कोई टकराव नहीं हुआ जैसे पहले होते थे, तोड़फोड़ हो जाना, गाड़ियां तोड़ देना। आप अगर देखेंगे दिसंबर 2018 के बाद से शायद कोई घटना हुई हो, मुझे याद नहीं है। जब ऐसी घटना कभी हुई होगी वहां पर महाराष्ट्र में या तमाम ऐसी जगहों पर, तो क्या उत्तर भारतीय लोगों ने आपसे संपर्क किया था या फिर आपसे ये कहा होगा कि आप ठाकरे साहब को क्यों नहीं समझाते हैं कि उत्तर भारतीयों पे जो बढ़ते जा रहे हैं जुर्म है उनको कम करें, इस तरह की बातें कभी कभी कोई लोग आपके पास आए थे? हजारों की संख्या में मैसेजेस आते थे उस समय कि विनय जी मैं एक संगठन चलाता हूँ उत्तर भारतीय महापंचायत, उस संगठन के माध्यम से जो लोग जुड़े थे वो कहते थे कि विनय जी हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं बोला पत्थर का जवाब पत्थर नहीं होता है, हमें इस प्रॉब्लम की जड़ में जाना है और उसे खत्म करना है। तो अगर हम भी रस्तों पे उतर जाते तो माहौल खराब हो जाता। वो आज भी भले हम लोग वहाँ पे हैं लेकिन आज भी महाराष्ट्र मराठियों का घर है, हम उनके यहाँ पे गए हैं और हमें उनके जो सम्मान है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। इतनी सी बात राज साहब ठाकरे कहते हैं। और अगर हम ये सोचेंगे कि भले हम भारत में हैं, सबको कहीं भी आने की आज़ादी है, जाने की आज़ादी है, लेकिन फिर भी हम जहाँ हैं उस राज्य की, उस संस्कृति की, उस भाषा को हमें सम्मान देना चाहिए, ये एक उनकी मांग थी और उसको लेके ये टकराव था। जब ये चीज़ों को क्लियर किया गया तो आज सब कुछ शांतिपूर्वक है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन जब आप ठाकरे साहब से या मनसे से मिले तो लोगों का ये भी कहना है कि आप मनसे के लिए काम करते हैं, क्या इन चीज़ों को देखकर ये माना जा सकता है कि आप मनसे के लिए काम कर सकते हैं या काम कर रहे हैं? देखिए आरोप मुझ पर लगे हैं, बहुत बार लगे हैं कि आप राज ठाकरे के अच्छे मित्र हैं, उनके करीबी हैं, मनसे के लिए आप काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 महीना पीछे चले जाइए। 14 अप्रैल को जब बांद्रा दंग में बांद्रा के मजदूर आंदोलन होती है उसमें मेरी गिरफ्तारी होती है, तो मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया था पार्टी की तरफ से कि विनय दुबे का हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, विनय दुबे का कोई भी इन्वॉल्वमेंट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में नहीं है, ना ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विनय दुबे के साथ है। ये उनका अधिकृत एकदम ऑफिशियली स्टेटमेंट आया था जो आप लोगों को मीडिया के चैनल से वो दिखाया गया। तो अगर मैं उनके पार्टी के समर्थक होता या मैं उनके लिए काम कर रहा होता तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ खड़े होते। इस तरह से वीडियो निकाल के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं देना था, उन्होंने दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी, जो मुझ पे आरोप लगते थे कि मैं मनसे के लिए काम करता हूँ वो खत्म हो गई। जो लोग वहाँ पर बांदा में इकट्ठित हुए थे, एक साथ जो मौजूद थे, लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए कि आपने उन्हें भड़काने की कोशिश की, आपने उन्हें प्रलोभन दिया कि जो है गाड़ियाँ अब खुलने वाली हैं सही समय पर, इतने मिनट पर गाड़ियाँ खुलने वाली हैं, आप लोग वहाँ पहुँचे, ये कहाँ तक सही है? क्या ये आपने मजदूरों से कहा था, क्या आपने ये बातें प्रवासी मजदूरों से कही थी जो लोग इकट्ठे हुए थे? बहुत कम लोग जानते हैं मैंने ये मूवमेंट 7 तारीख से चालू किया था। 40 बसों की परमिशन मैंने 4 राज्यों सरकारों को दी थी ईमेल के माध्यम से, उसका कोई जवाब नहीं आया। 11 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया कि शायद हमारा संयम टूट रहा है, लोगों के जो मजदूर हैं बेचारे भूखे मर रहे हैं, कम से कम वो परिवार के बीच जाना चाहते हैं तो सरकारों को परमिशन देनी चाहिए कि उनको जाने दिया जाए।
14 तारीख को ये घटना होती है, और घटना होने के बाद मेरी वीडियो आती है 18 अप्रैल के लिए। अगर मुझे 14 तारीख करना होता तो विनय दुबे किसी से डरता नहीं है, मुझे करना होता मैं डंके की चोट पे करता था। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, ना मैं किसी के दबाव में काम करता हूँ। तो अगर मुझे करना होता तो मैं 14 का बाकायदा कर दिया होता, और इससे अच्छा अगर 14 वाला नहीं हुआ होता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि इससे भयंकर मैं 18 तारीख का कर सकता था, क्योंकि मेरी तैयारी थी। मैंने बाकायदा शासन प्रशासन को पत्र दिया हुआ है कि 18 तारीख को मेरी तैयारी है, 18 को मैं ये करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मजदूरों को मरते नहीं देख सकता था, उनके घरों में पैसे नहीं थे, जो डेली पे काम करने वाले लोग वो कैसे जिंदा रहेगा, और ऊपर से उनका परिवार दूसरे राज्यों में बेचारे परेशान कि वहाँ बच्चे कैसे होंगे, पत्नी कैसे होंगे, बूढ़े माँ बाप है उनको कैसे पाला जाए। तो एक आदमी के ऊपर दबाव था, एक या तो वो मर जाते, सुसाइड कर लेते, या तो भूखे मर जाते। तो ऐसे स्थिति में एक इंसानियत के तौर पे मुझे लगा कि अगर मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचती है तो एक आवाज़ उठाना चाहिए, मैंने किया। बांद्रा में मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर है, बांद्रा में अगर पुलिस जांच चालू है, उसकी चार्जशीट अभी लगनी है, चार्जशीट जब लगेगी आप तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा क्या रोल था उसके अंदर। आपने कहा कि हमने 40 शासन प्रशासन मुख्यमंत्रियों को मेल किया है जी, क्या आप उसमें उस 40 में से पीएमओ की साइट भी थी जिसपे आपने मेल किया था, गृह मंत्री के और मिनिस्टर की? सर मैं आपको मेल की कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा, 7 अप्रैल की वो मेल है मेरी, 8 अप्रैल को रात को 12 बजे की। उसमें मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, होम डिपार्टमेंट सेंट्रल जो कि अमित जी की है, उसके बाद परिवहन मंत्रालय जो कि नितिन गडकरी जी की है, और पीएमओ, इन सबको मैंने इन्फॉर्म किया था कि ऐसे मजदूरों की संख्या है, मुझे 40 बसों की परमिशन दी जाए। वो परमिशन आज तक नहीं हुई। उसके बाद जब बांद्रा होता है, मुझे जेल में डाल दिया जाए, 3 दिन तक नेशनल चैनलों पे पूरे देश में ये मुद्दा उठता है, तब जाके सरकारें जागती हैं और वो ट्रेन और बसेस चालू करने की परमिशन देती हैं। जब मैं जेल से छूटा हूँ 28 तारीख को, तो 1 मई से मेरी बसेस वहाँ से, मेरी गाड़ियाँ जो थी भिवंडी से, वो जाना चालू हो जाती हैं, और अभी तक मुझे लग रहा जब वो दौरान था तो करीबन 250 के ऊपर मैंने गाड़ियाँ उत्तर भारत की तरफ भेजी थी। उसमें से 25-30 गाड़ियाँ जो थी महाराष्ट्र के लिए थी, जो महाराष्ट्र मुंबई से लेके महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके जैसे कोंकण, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, नागपुर, यहाँ तक के लिए भी मैंने चलाई थी। तो मेरा एक मुहिम था, वो मैंने किया अपना काम जो मैं कर सकता था। तो फिर बीजेपी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम वो पदाधिकारी ने तो आप पे क्यों आरोप बार बार लगा रहे हैं कि आपने ये जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश की, महाराष्ट्र की न्याय व्यवस्था को आपने तोड़ने मरोड़ने का काम किया, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को बहकाने का काम किया, बहकाने फैलाने का काम किया, क्या इससे आप इस्तफाक रखते हैं? देखिए मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ, जहाँ मुझे गलत लगता है मैं लात मारता हूँ, वो लात किसके पिछवाड़े लगती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर मैंने दंगा फैलाया, अगर मैंने कुछ किया है, तो भाई होम मिनिस्टर अमित शाह है, आपकी IB आपके पास है, CBI आपके पास है, जांच करा लो और उखाड़ लो मेरा, मैं तो खुला बैठा हूँ ना भाई। अगर मैंने कुछ किया होता ना, आज मैं यहाँ नहीं होता। अगर मेरे खिलाफ़ सबूत मिले होते ना, तो कब का मैं इस समय जेलों में सड़ रहा होता। आज इसी तरह छाती ठोक के बैठता हूँ, बिंदास आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के पक्ष में नहीं रहा हूँ। मैंने हमेशा संविधान के दायरे में रह के काम किया है, बाकायदा प्रशासन को पत्र भेजता हूँ, उसके बाद आंदोलन पर बैठता हूँ। अचानक से लॉ एंड ऑर्डर खराब करना, क्योंकि मेरा भी परिवार है ना सर, अगर दंगे होंगे या वहाँ पे कुछ खून खराबा होगा तो मेरा भी परिवार मरेगा ना। मैं आम साधारण इंसान, एक ऑटो ड्राइवर परिवार से आता हूँ, मैं कोई रईस नहीं हूँ कि बंगले के अंदर बैठ के इसी रूम में भाषण देता हूँ। रस्तों पे रहता हूँ, चलता हूँ, कहीं पे मेरी हत्या हो सकती है, मेरे परिवार पे हमला हो सकता है। अगर मैं यह आग भोगूंगा तो कहीं ना कहीं कल मेरा भी परिवार उसमें भोगेगा। तो मैं तमाम सरकारों को और भाजपा करके, खास करके वो अंडभक्तों को और भाजपा नेताओं को चैलेंज करता हूँ कि भाई अगर मैंने गलत किया तो सरकार तुम्हारी, या उखाड़ लो मेरा। टीवी चैनल में कहा जा रहा था कि आपने पहले मस्जिद में बुलाया, जो मस्जिद में लोग नमाज अदा करने आए थे, उसके बाद फिर आपने रेलवे स्टेशन की तरफ उन लोगों को बोला कि मूव करो, ऐसी दिखाई गई थी, आपने भी देखा होगा, मस्जिदों का बार बार जिक्र किया जा रहा था। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये हकीकत है या नहीं? आप समझो इस समय देश में सबसे बड़ा दलाल बनने की कंपटीशन चल रही है, जो सबसे बड़ा झूठ और अफवाह फैलाएगा या फिर नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा मुसलमानों के लिए, वो सबसे बड़ा देशभक्त कहलाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भड़वे बैठे हैं ना गोदी मीडिया में, चाहे वो सुधीर चौधरी तिहाड़ी हो, चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो, इन भड़वों का काम ही यही है। अब देखो ना, तबलीगी जमात को इन्होंने कोरोना फैलाने वाला, इनके मुँह पर हाईकोर्ट मूंद के चला गया, आज कहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं वो।
जिस तबलीगी जमात को देश के अंदर कोरोना फैलाने के लिए कहा गया था उसको देखते हुए न्यूज़ चैनलों पे खबरें चलाई जाती, ब्रेकिंग न्यूज़, मौलाना साद और तबलीगी जमात चिल्लाए पड़े थे। आखिर हाई कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आया कि भाई ये गलत नहीं है, उनको शिकार बनाया गया, कहीं ना कहीं कुछ तथ्य होंगे। आज इन भड़वों की वजह से बाकी जो अंडभक्त हैं जो सोशल मीडिया में जो भोसड़ी वाले, उनको कुछ काम नहीं है, वो ये सारी चीज़ें करते हैं, उनके पीछे पीछे चल देंगे, सब बोलेंगे कौवा कान लेके उड़ा तो उड़ गया, ये देखेंगे नहीं कौवा कान है कि नहीं है। तो ऐसे माहौल में इस मीडिया का यही अस्तित्व है। अगर हाई कोर्ट अगर उनको रिजेक्ट करता तो आपको उनकी औकात पता चल जाएगी कि दलाली के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इतना ही एक्टिव कॉलेज टाइम में भी थे, यूनिवर्सिटियों में थे, कहाँ से ये उपज कहाँ से आई थी, कॉलेज टाइम से या बाद में? ना यार, देखिए मेरा कोई सोशल में या राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पिताजी की मतलब घर की घरेलू हालत, आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँ। पिताजी ऑटो चलाते थे, मैं तीन भाई और हैं मेरे से छोटे, उनकी पढ़ाई लिखाई है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कहीं मुझे एडजस्ट करना था। रही बात कॉलेज में, एकदम शांत व्यक्ति था, अपने हिसाब से पढ़ाई करता था, अच्छे परसेंटेज आते थे, उस समय के हिसाब से अच्छे परसेंटेज मिल जाते थे क्योंकि मेरा फोकस एजुकेशन पे था, मुझे कुछ अच्छा बनना था। इंडियन नेवी के लिए मैंने कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस समय एज पैरामीटर नहीं बना, कम एज थी जिसकी वजह से नहीं कर पाया मैं उसको। लेकिन अगर मेरी एक ख्वाहिश थी कि देश सेवा में जाना है, चाहे इंडियन नेवी हो चाहे आर्मी हो, बट दुर्भाग्यपूर्ण शायद मेरे नसीब में यही लिखा था कि भाई देश के अंदर रह के भी देश सेवा की जा सकती सीमा के अलावा भी, तो उसका मैं भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब आप जेल में थे, अरेस्ट हुए, तो उसी वक्त जो एजाज खान भी अरेस्ट हुए थे जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आप दोनों एक ही साथ थे और एक ही साथ आप जेल में भी आप उनसे बात कर रहे थे कि इस तरह से निजात पाया जाए, जो देश में जो पूरे देश की हालात है, वो मोमेंट क्या था और किस तरह की बातें हो रही थी वहां पर? देखिए मेरे जेल जाने के बाद दो दिन के बाद, वो भी क्रांतिकारी व्यक्ति है, मैं सलाम करता हूँ एजाज भाई को, हमेशा उनका तो आना जाना लगा रहता है, वो आए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि विनय भाई हम बजाते रहेंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ लात मारते रहेंगे। छः दिन हम लोग साथ में थे, 6-7 दिन, बहुत बेहतरीन इंसान है वो, ग्राउंड टू अर्थ, ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी है या बिग बॉस जैसा जगह पे जाके आया हुआ बंदा इतना ग्राउंड जमीन स्तर पे हो सकता है, तो वो देखते हुए कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव था। रही बात क्रांति की, तो उनके खून में है वो बंदा रुक नहीं सकता, जहाँ पे भी गलत लगेगा वो आवाज़ उठाएगा, आप चाहे उसको कितना भी डराओ। और दूसरा है बेखौफ बंदा है, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज से मुझे कहना चाहता हूँ कि आप लोग वाकई में अगर समझते हैं कि कोई बंदा आपके लिए काम कर रहा है, तो मुझे जो मेरे समझ में आता है एजाज़ खान बहुत बेहतर हैं, आप लोग एक बार उन्हें अवसर दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपके कौम के लिए वो बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है।